हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आईपीएल के 20th मैच के बारे में बात करेंगे, जो कि मुंबई और दिल्ली के बीच होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टेबल में 9वें नंबर पर दिल्ली है और 10वें नंबर पर मुंबई। मुंबई ने अपना 0 और दिल्ली ने भी अपने सिर्फ एक मैच ही जीता है, और दोनों ही टीम इस आईपीएल की सबसे खराब परफॉर्मेंस देने वाली टीम रही है अभी तक। तो दोनों ही टीमों की पोजीशन भी ऑब्वियसली सबसे लास्ट में ही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम हैं TCTD Predictions, टेलीग्राम के दुनिया के सबसे बेस्ट क्रिकेट एनालिस्ट टिपिंग चैनल। पिछले 6 सालों से हम अपने पंटरों को सबसे बेस्ट काम देते आ रहे हैं। लॉस कट, बुक सेट और सेशंस या मैच विनर, हम हैं सबसे आगे और सबसे सटीक। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। बाकी पिच रिपोर्ट की बात करें तो यह मैच वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जो कि काफी छोटा स्टेडियम है, और यहां पर बैटर्स को सबसे ज्यादा मदद मिलती है। यहां पहले बैटिंग करने वाली टीम 44% मैच जीतती है, और वही पहले बॉलिंग करने वाली टीम भी 55% मैच जीतती है। हाईएस्ट टोटल देखें तो यहां पर अभी तक 235 रन हाईएस्ट बने हैं, और वहीं 67 रन यहां के लोएस्ट स्कोर हैं। बाकी दोस्तों, वेदर रिपोर्ट देखें तो आप देख सकते हैं यहां पर बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। लास्ट 5 मुकाबले देखें तो मुंबई ने अभी अपने 1 मैचेस जीते हैं, और वही दिल्ली ने भी 1। और वही इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड स्टैट्स की बात करें तो 18 मैचेस मुंबई ने जीते हैं और 15 दिल्ली ने। साथ ही इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें तो यह 6 खिलाड़ी इस मैच के इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, तो इन 6 खिलाड़ियों पर आप खेल सकते हैं। बाकी दोस्तों, विनर की बात करें तो हमारे हिसाब से इस मैच में मुंबई जीतते हुए नजर आ रही है। बाकी आपको टॉस और विनर की लेटेस्ट अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे कल एक नए मैच और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें।